गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस है जिसमें इसके पहले क्या था हमारे पास एक्सपोनेंशियल के साथ में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म थी। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल के साथ में अलजेब्रिक हमारा दिया हुआ है, तो उसको किस तरीके से हम पीआई फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सीएफ हम फाइंड करेंगे, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे एम स्क्वायर 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालेंगे तो ये तो m इक्वल टू 3, इसके रूट्स आएंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो जब भी रियल और रिपीटेड रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स, क्या करेंगे c1 प्लस c2x e टू द पावर mx करते हैं, e टू द पावर mx, m की वैल्यू 3, e टू द पावर mx। अब उसके बाद pi निकालना है, pi फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 1 अपॉन फंक्शन fd लिखेंगे, d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, फंक्शन कितना है e टू द पावर 3x एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था पिछले बार कि e टू द पावर जब भी अल्फा x आएगा तो क्या करेंगे d में अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे, d की जगह पे d प्लस अल्फा पुट करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को एक साइड कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल को हम इस साइड लिखने के बाद d की जगह d प्लस अल्फा मतलब d प्लस 3 पुट करेंगे, d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 डी प्लस 3 प्लस 9 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x 1 अपॉन, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर सिक्स डी माइनस 6d माइनस 18 प्लस 9 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x 1 अपॉन 6d कैंसिल, 9 प्लस 9 माइनस 18 कैंसिल, 1 बाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x 1 बाई डी का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, d स्क्वायर का मतलब दो बार इंटीग्रेशन किसका एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर है उसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक ऐड होगा नीचे 2 प्लस 3 हो जाएगा, और दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि जब पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 आएगा मतलब 3 आएगा, उसके बाद जब 3 हो गया एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 e टू द पावर, यहां पे आगे लिख दे रहे हैं e टू द पावर 3x x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया हमारा क्या है पीआई, ये हमारा निकल गया है पीआई। सीएफ हमारे पास है पीआई है, जनरल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन जो हमारा है, जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे सीएफ प्लस पीआई, सीएफ प्लस पीआई हम जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। अगर यहां पे अलजेब्रिक फॉर्म है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, कुछ भी है, यहां पे डी स्क्वायर डायरेक्ट आ गया इसलिए इंटीग्रेशन हो गया। अगर यहां पे डी प्लस 1 के फॉर्म में कुछ आता या डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस समथिंग कुछ आता तो वहां पे क्या करते उसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते, जिस तरीके से अलजेब्रिक में हम पार्शियल फ्रैक्शन करके 1 प्लस डी या 1 माइनस डी की फॉर्म बनाते थे, उसके बाद उसको ऊपर ले जाके 1 माइनस डी या 1 प्लस डी के फॉर्म में बना के जो बाइनोमियल उसका जो
फॉर्मूला होता है उसको ओपन करने के बाद में फिर फर्दर यूज करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था किस तरीके से अलजेब्रिक जब भी आएगा तो बाइनोमियल फॉर्म बना के ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे बाइनोमियल की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी ये डी स्क्वायर है, तो 1/d² का मतलब, 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो डी स्क्वायर का मतलब, 1/d² का मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, तो डायरेक्टली यहाँ सॉल्व हो गया है। अगर इसके जगह कुछ और होता देन अप्रोच वही लगाते जो हम एलजेब्रिक में लगाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी एक्सपोनेंशियल के साथ में कुछ आएगा तो एक्सपोनेंशियल का जो अल्फा होगा वो डी की जगह डी प्लस अल्फा पुट कर देंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का यूज खत्म हो जाएगा, उसके बाद साइड करेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक या जो भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा उसका यूज अलग अलग सेपरेट मैंने बताया है उसको उस तरीके से यूज करके सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास PI हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन CF+PI हमें मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू।